के जनपद शाहजहांपुर में विकास भवन में कार्यरत महिला शक्ति केंद्र की महिला कल्याण अधिकारी राबरखा शर्मा द्वारा छेड़ी गई मुहिम, जिसमें बेसहारा लावारिस आदि विक्षिप्त हालत में मिले प्रभु स्वरूप व्यक्तियों को रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम भरतपुर भेजा जाता है। उसी मुहिम के अंतर्गत बुधवार को रेखा शर्मा द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू किए 8 प्रभुजनों को, जिनमें 4 पुरुष 4 महिलाएं, 1 महिला प्रभु जी को फरुखाबाद से चिकित्सा एवं पुनर्वास हेतु अपना घर आश्रम भरतपुर राजस्थान भेजा गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 3 माह से रेखा शर्मा द्वारा जिले में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 42 लोगों को अत्यंत बुरी स्थिति से सड़कों से उठाकर पुनर्वास हेतु भरतपुर भेजा गया है, जहाँ से उनकी खाने रहने एवं समस्त चिकित्सीय देखभाल की जाती है, जिसके बाद कुछ लोग ठीक होकर अपना पता बता देते हैं, जिससे उनके परिजन वहाँ से ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रेखा शर्मा, महिला कल्याण अधिकारी, महिला शक्ति केंद्र। ओके मैम, क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। मैं यहाँ 6 महीने से जॉब कर रही हूँ, और जब मैं यहाँ जॉब कर रही थी तो दौरान मैं रास्ते में लोगों को पीड़ित देखती थी कि वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, सड़कों पे पड़े हैं लावारिस हालत में, कूड़े के ढेर में। कई बार ऐसी स्थितियाँ देखी मैंने कि नाली में से लोग पानी पी रहे हैं और कूड़े में से कुछ खा रहे हैं, कुत्ते के साथ बैठ के कुछ खा रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें देखी तो मैंने उसी टाइम ये ठान लिया कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। मेरे जॉब का ये पार्ट ना होने की वजह से शुरू में मेरे ऑफिस की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला और बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए मुझे रात भर जागना भी पड़ा, सुबह जल्दी निकलना पड़ा, परिवार को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने किया। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। उसके बाद प्रशासन को मेरे काम अच्छे लगे और CDO सर के एक नोटशीट पे 4 विभागों को मेरे साथ जोड़ा गया, जिसमें समाज कल्याण, प्रोबेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। इन चारों को अलग अलग तरीके से गाइडलाइन दी गई कि इस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आप हमारा साथ देंगे। तो ये एक शुरुआत मैंने की थी, लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज मेरे पास इन डिपार्टमेंट्स का सहयोग है और इसके अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएँ मेरे साथ जुड़ गई। मैम ये बताइए टोटल कितने लोग हैं इसमें? इस टाइम मैंने 8 लोगों को रेस्क्यू किया है, जो मैं करीब महीने भर में इकट्ठा कर पाती हूँ। पूरे शाहजहांपुर से मैंने 8 लोगों को इकट्ठा किया है। जगह जैसे सूचना मिलती है मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ, 108 से उनको रेस्क्यू करके बंतारा स्थित वृद्धाश्रम में हम उनको एक जगह पर रखते हैं। जब ये 8 से 10 हो जाते हैं, कई बार स्थितियाँ बहुत नाजुक होती हैं, तो इनमें से कुछ लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, इसलिए हम लोग 10 नहीं भेज रहे हैं, वरना मैं हर बार 10 रेस्क्यू करती हूँ। इसलिए इस बार 8 को भेज रहे हैं, ताकि ये वहाँ पर जाएँ और अच्छा